दिल्ली में जेएनयू के वाइस चांसलर के घर छात्रों के गुट ने हमला कर दिया। 400 से ज्यादा की संख्या में मौजूद प्रदर्शनकारी छात्र वीसी के घर जबरदस्ती घुस आए और हंगामा करने लगे। इस दौरान छात्रों को जो भी दिखाई दिया उन्होंने उस पर हमला बोल दिया। इतना ही नहीं, छात्रों ने वीसी आवास में दाखिल होने के लिए गेट को भी तोड़ दिया और वीसी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। उसके बाद भी जब छात्रों को चैन नहीं मिला तो उन्होंने वीसी जगदीश कुमार की पत्नी को 5 घंटों तक बंधक बनाए रखा। They pushed around the security guards, broke open the gate and entered the home. And my wife was alone at that time. बताया गया कि ये छात्र 3 दिनों से अपनी अलग अलग मांगों को लेकर हड़ताल पर थे, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने वीसी के घर पर अटैक कर दिया। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में अपने सबसे बड़े वादे का ऐलान कर दिया। पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की सत्ता में आने पर सभी गरीबों को न्यूनतम आमदनी की गारंटी देने का वादा किया और दावा किया कि इसके बाद देश में कोई गरीब नहीं रहेगा। मिनिमम इनकम लाइन 12,000 रुपए की है। जो मिनिमम इनकम लाइन और मिनिमम उनकी जो इनकम है उसका जो फर्क होगा वो सरकार देगी। मिनिमम इनकम गारंटी स्कीम पर राहुल गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में चर्चा की। उनका दावा है कि इस योजना से देश में गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। 5 करोड़ फैमिलीज, 25 करोड़ लोगों को डायरेक्ट स्कीम का फायदा मिलेगा। राहुल गांधी की इस महत्वाकांक्षी योजना को कांग्रेस ने न्याय नाम दिया है और कांग्रेस के इस न्याय का मतलब है न्यूनतम आय योजना। राहुल गांधी ने एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही इस योजना का जिक्र शुरू कर दिया था और अब इसका औपचारिक ऐलान करके राहुल को लगा कि उन्होंने सबको चौंका दिया। आप लोग हैरान लग रहे हो, आज शॉक लग रहे हो, है ना? थोड़ा ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ? राहुल गांधी ने मिनिमम इनकम गारंटी को मनरेगा का एक्सटेंशन बताया। मनरेगा में 14 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला, अब ये सेकंड एंड फाइनल ऑपरेशन है। कांग्रेस की सहयोगी पार्टी एनसीपी ने राहुल गांधी के ऐलान को ऐतिहासिक बताया। लोग अपने पैर पे खड़े हो पाएंगे, इस कार्यक्रम से एक क्रांति देश में आएगी। राहुल गांधी ने जिस न्यूनतम आय योजना का ऐलान किया उसकी चर्चा खुद राहुल गांधी जनवरी से ही कर रहे थे। राहुल गांधी ने दावा किया कि ये पेंशन जैसी योजना नहीं है, इसका फायदा उन लोगों को होगा जो नौकरी मजदूरी तो करते हैं लेकिन जिनकी कमाई महीने में 12,000 रुपए से कम है। न्यूनतम आय योजना में 5 करोड़ परिवारों को हर महीने 6,000 यानी साल में 72,000 रुपए सरकार देगी। मतलब ये कि इस योजना पर हर साल 3,60,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राहुल गांधी का दावा है कि उन्होंने अर्थशास्त्रियों से समझ लिया है कि इस योजना को लागू करने में बजट की कोई कमी नहीं होगी। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना के जवाब में गरीबी हटाओ के अपने आंकड़े जारी किए। बीजेपी का दावा है कि पिछले 5 साल में गरीबी तेजी से मिटी और अब देश में सिर्फ 6.5 करोड़ लोग ही गरीबी रेखा के नीचे हैं, जबकि 2011 में करीब 22% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। बीजेपी ने ट्विटर पर गरीबों के लिए मोदी सरकार की योजनाओं की बौछार कर दी तो वहीं शिवसेना ने न्यूनतम आय योजना के ऐलान पर राहुल गांधी की खिल्ली उड़ाई। हंसा पे कितनी में जाता क्या पता नहीं, पता है ना सत्ता पे तो आएंगे नहीं। वहीं एलजेपी नेता चिराग पासवान ने इसे राहुल गांधी का लॉलीपॉप बता दिया। अगर ये सिर्फ एक लॉलीपॉप के तौर पर अगर ये जनता को थमाना चाह रहे तो मुझे लगता है आज की तारीख में जनता इतनी जागरूक है। राहुल गांधी जिसे क्रांतिकारी योजना बता रहे हैं उसका जिक्र भी सबसे पहले मोदी सरकार ने किया था। 2016-17 के आर्थिक सर्वे में यूनिवर्सल बेसिक इनकम की पैरवी की गई थी। हालांकि तब यह भी कहा गया था कि इसके सभी पहलुओं पर गहराई से विचार करने की जरूरत है। दुनिया के कई देशों में ऐसी योजनाएं पहले से लागू हैं जिनमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, ब्राजील जैसे देश शामिल हैं। अमेरिका में 1974 से बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए सप्लीमेंटल सिक्योरिटी इनकम योजना चल रही है जिसमें 1996 में बदलाव कर गरीब परिवारों को भी शामिल कर लिया गया। कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना के चुनावी वादे की हवा निकालने के लिए बीजेपी ने गरीबी हटाओ के गड़े मुर्दे भी उखाड़ने शुरू कर दिए और राहुल गांधी को 1971 में इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ के नारे की याद दिलाई। उनकी दादी जी इंदिरा गांधी ने तो 71 में ही कहा था गरीबी हटाओ, तो हमें तो लगा गरीबी हट गई थी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को सत्ता में रहकर घोटालों से फुर्सत नहीं मिलती कि वो गरीबों के बारे में सोचे। जब सत्ता में होते हैं तो आपको घोटाले याद आते हैं, घोटाले करने होते हैं, जब सत्ता से बेदखल होते हैं तो आपको गरीब आदमी याद आता है। आम आदमी पार्टी ने न्यूनतम आय योजना की तारीफ तो की लेकिन राहुल पर सवाल भी दाग दिए कि घोषणाएं करना तो बहुत आसान होता है, उसको इम्प्लीमेंट आप कैसे करेंगे वो स्पष्ट करना जरूरी है। राहुल गांधी के राजस्थान में चुनावी प्रचार से पहले केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने उनसे 7 सवाल पूछे हैं। राठौड़ ने राज्य में बेरोजगारी, अपराध
और आर्थिक आरक्षण न लागू करने पर राहुल गांधी से सवाल किए। राठौर ने कांग्रेस नेताओं की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने पर भी राहुल से जवाब मांगा है। राहुल गांधी जी, आपका स्वागत है राजस्थान में। आप राजस्थान तो आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान की जनता आपसे मांग रही है जवाब। मैं आपसे पूछता हूं सवाल। आप यहां पर आए, आपने ऐलान करा बड़े ड्रामेटिक तरीके से, 1, 2, 3, 10 और 10 के बाद हो गया बस, क्योंकि अभी तक किसानों का ऋण माफ नहीं हुआ, अभी तक किसान कर रहे हैं इंतजार। विधानसभा चुनाव में ऐलान करा कि जितने भी राजस्थान के नौजवान हैं बेरोजगार, उनको मिलेगा 3,500 रुपए का भत्ता प्रति माह। राजस्थान के नौजवान कर रहे हैं इंतजार। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश में 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया, पूरे देश में लागू हो रहा है, लेकिन राजस्थान सरकार ने उसको लागू नहीं करा। राजस्थान के नौजवान मांग रहे हैं आपसे जवाब। देश की रक्षा के लिए सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, एयर स्ट्राइक हुई। पाकिस्तान तो समझ आता है कि पाकिस्तान उसको असफल बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप और आपके लीडर भी उसको असफल बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप और पाकिस्तान एक ही भाषा बोल रहे हैं। राजस्थान के वीर और वीरांगनाएं मांग रही हैं आपसे जवाब। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह ने बीजेपी की जीत का दावा कर दिया। कल्याण सिंह के इस दावे से नया विवाद खड़ा हो गया और संवैधानिक पद के अपमान का आरोप लगाते हुए बीजेपी के विरोधियों ने उन्हें घेर लिया। कल्याण सिंह ने मोदी सरकार की तारीफ तब की जब बीजेपी कार्यकर्ता उनके सामने अलीगढ़ से उम्मीदवार और मौजूदा सांसद सतीश गौतम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना ये देश के लिए आवश्यक है। राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह के इस बयान पर कांग्रेस ने उनसे फौरन इस्तीफा देने की मांग की। संविधान की गरिमा का उन्हें मान है तो उन्हें बगैर एक क्षण खोए त्याग पत्र दे देना चाहिए। जबकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कल्याण सिंह के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। ये याद नहीं आता कि गवर्नर के पद का इस तरह का मिसयूज कभी पहले हुआ। राहुल गांधी आज राजस्थान में 3 रैलियां करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज राजस्थान के सूरतगढ़, बूंदी और जयपुर में चुनावी रैली करेंगे। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की देर रात तक चली बैठक के बाद बीजेपी ने अपनी 9वीं लिस्ट जारी कर दी, जिसमें लोकसभा और विधानसभा के 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया। कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों के लिए 5 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन के आखिरी दिन आज कई दिग्गज 13 राज्यों की 97 सीटों के लिए अपना पर्चा भरेंगे। यूपी के आगरा में पुलिस ने मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश भीमा पहलवान को घायल करने के बाद गिरफ्तार कर लिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी पत्नी के साथ 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब पहुंच गए, जिसके बाद वो बोलिविया और चिली भी जाएंगे। आरजेडी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी, लेकिन मीसा भारती का नाम प्रचारकों में शामिल ना करके सबको हैरान कर दिया। हरियाणा में सोनीपत नेशनल हाईवे की बदहाली से नाराज लोगों ने काली पट्टी बांधकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की धमकी दी। जयपुर में खेले गए 4th मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब ने राजस्थान रॉयल्स को 14 रन से हरा कर IPL 12 में जीत की शुरुआत की। IPL के 4th मैच में किंग्स 11 पंजाब के कप्तान रविचंद्रन अश्विन ने राजस्थान रॉयल्स के आक्रामक बल्लेबाज जॉस बटलर को मार्किंग से रन आउट करके सबको हैरत में डाल दिया, जिसके बाद बटलर गुस्से में नजर आए। राजस्थान के खिलाफ 89 रन की पारी खेलकर मैन ऑफ द मैच बने किंग्स 11 पंजाब के आक्रामक सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल ने IPL में सबसे तेज 4,000 रन पूरे करने का भी रिकॉर्ड बना लिया। IPL में आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में आमने सामने होंगी।